अगर आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हैं और ये आपके बच्चे की पहली गर्मी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पहला मौसम, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, बच्चे के लिए पहली बार थोड़ी टफ होती है। और गर्मी से छोटे बच्चों को रैशेस, घमौरियाँ, लाल दाने, लूज मोशन, लू लगना, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जाने अनजाने पेरेंट्स ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स हो जाती है और उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ भी जाती है। इसीलिए कुछ ऐसी गलतियां जो कि गर्मी के मौसम में छोटे बच्चों के साथ हमें नहीं करनी चाहिए, और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, जिससे कि ये गलतियां आपको पता चलने के बाद आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगी और जिससे बच्चे की पहली गर्मी बहुत ही आरामदायक बीतेगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में बताएंगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि गर्मी के मौसम में आपके छोटे बच्चे के लिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है कि 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी बिल्कुल ना पिलाएं। ये तो हम सभी जानते हैं कि 6 महीने से छोटे बच्चे को दूध और ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए, लेकिन गर्मियों के मौसम में एज अ पेरेंट्स हमें ऐसा लगता है कि गर्मी के मौसम में बच्चे का गला सूख रहा होगा, उसे प्यास लग रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 6 महीने से छोटे बच्चे को जो हम ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क देते हैं उसका 80% पार्ट सिर्फ पानी से बना होता है और पानी की कमी को ये पूरा करता है। इसीलिए गर्मी के मौसम में आप छोटे बच्चे को पानी बिल्कुल ना दें, इससे बच्चे का वेट कम हो जाएगा। बच्चे का पेट बहुत ही छोटा होता है और अगर आप उसे पानी पिलाएंगे तो पानी से ही उसका पेट भर जाता है, उसके बाद से वो दूध नहीं पी पाता है और इसीलिए बच्चे का वेट कम हो जाता है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में पानी से बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं, इसीलिए आप पानी ना पिलाएं और पानी की कमी को दूर करने के लिए आप बच्चे को टाइम टू टाइम दूध पिलाती रहें। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो 6 महीने से बड़े बच्चे को आप पानी पिला सकती हैं, लेकिन उसे बॉइल वाटर ही पिलाएं। पानी को बॉइल कर ले अच्छे से, उसे ठंडा कर ले और फिर वो पानी को आप बच्चे को पिलाएं। ध्यान रखें कि फ्रिज का पानी बच्चे को बिल्कुल ना पिलाएं, बच्चे को वही पानी पिलाएं जो कि रूम टेम्परेचर पे हो और वही पानी बच्चे के लिए सही है। कभी कभी गर्मी के मौसम में बच्चों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। बच्चे को पानी की अगर कमी हो रही है तो उसे आप कैसे पहचान सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ साइन होते हैं जो कि बच्चे हमें देते हैं, जिससे आप बच्चे के अंदर पानी की कमी हो रही है ये चीज़ें पहचान सकते हैं। ये साइन को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो इसमें पहला साइन है कि दिन में 6 से 7 बार यूरिन पास करना और रात में 2 से 3 बार यूरिन पास करना। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके बेबी में पानी की कमी है। नेक्स्ट है स्किन और लिप्स का ड्राई होना। ये भी एक साइन है कि बच्चे के अंदर पानी की कमी है, और ऐसा अगर आप साइन देखते हैं बच्चों में तो बच्चे को डॉक्टर से तुरंत दिखाएं। दूसरी गलती है कि बच्चे को सीधी हवा में ना सुलाएं, यानी डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में उसे ना रखें। डायरेक्ट हवा में बच्चे को ना सुलाएं, एसी, फैन, कूलर, इससे ठंड लगने के चांसेस होते हैं गर्मी के मौसम में भी। अगर आप एसी का यूज़ करते हैं तो एसी के रूम में उसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस ही रखें। एसी का यूज़ करते समय बच्चे को अच्छे से कवर करें और उसके बाद उसे उस रूम में रखें। अगर बच्चा 1 महीने से छोटा है तो उसे कॉटन के मिटेंस और कॉटन के सॉक्स या फिर कॉटन के कैप भी ज़रूर पहनाएं, इससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है तेज़ धूप में बच्चे को बाहर ना लेकर जाएं। गर्मियों के मौसम में धूप काफ़ी तेज़ होती है और ये बच्चों को नुकसान कर सकती है, इसीलिए तेज़ धूप में बच्चों को बाहर ले जाना अवॉइड करें, स्पेशली सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक। इस टाइम में धूप काफ़ी ज़्यादा होती है और इससे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए इस टाइम में बच्चों को बाहर ना लेके जाएं। अगर किसी इमरजेंसी की वजह से जाना भी पड़े तो बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाएं, उसे अच्छे से कवर करें और फिर लेकर जाएं। नेक्स्ट है कि बच्चों को हमेशा कॉटन के कपड़े ही पहनाएं और एक साइज बड़े कपड़े पहनाएं। सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल ना पहनाएं, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े पहनाने से बच्चों को रैशेस होने के चांसेस होते हैं। बच्चे को हमेशा लूज कपड़े पहनाएं और कॉटन के पहनाएं, जिससे कि बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा। सिंथेटिक के कपड़े से हीट रैश होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, इसीलिए गर्मी के मौसम में इन कपड़ों को अवॉइड करें और टाइट कपड़े भी बच्चे को ना पहनाएं। नेक्स्ट है कि गर्मी के मौसम में बच्चों को पाउडर ना लगाएं।
अगर हीट रैश या घमौरियाँ हो गई हैं तो सबकी सबसे पहली पसंद होती है पाउडर लगाना, लेकिन डॉक्टर भी पाउडर लगाने से मना करते हैं। अगर बच्चे को घमौरियाँ हो गई हैं तो भी आप उसे पाउडर ना लगाएं, इससे बच्चे के स्किन पोजेस बंद होते हैं और उसे घमौरियाँ और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। अगर बच्चे को रैशेस या घमौरियाँ हो गई हैं तो आप पाउडर की जगह कुछ और रेमेडीज कर सकती हैं, जैसे कि आप एलोवेरा जेल लगा सकती हैं। और ध्यान रखें कि मार्केट का एलोवेरा जेल ना लगाएं, एलोवेरे का जो पौधा होता है उसमें से एलोवेरा जेल निकालें और उसी का इस्तेमाल करें, और उसी का यूज़ करें, उस जेल को बच्चे के घमौरियों पर लगा दें। या फिर आप मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट भी लगा सकती हैं। मुल्तानी मिट्टी को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाइए और 10 मिनट तक उसको घमौरियों पे हीट रैश पे रहने दीजिए, और उसके बाद 10 मिनट बाद उसे अच्छे से साफ कर लीजिए। इन सब से भी बच्चे को हीट रैश और घमौरियों से काफ़ी जल्दी आराम मिलता है। नेक्स्ट है, गर्मी में बच्चों को डायपर ना पहनाएं। रात में आप बच्चों को डायपर ज़रूर पहना सकती हैं, लेकिन दिन के टाइम में आप कोशिश करें कि बच्चे को डायपर ना पहनाएं। दिन के टाइम में आप बच्चे को कॉटन की नैपी पहना सकती हैं या फिर कॉटन का पजामा भी पहना सकती हैं। इससे बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं और उन्हें हीट रैश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 24 घंटे यानी रात में भी और दिन में भी बच्चों को डायपर पहना के रखेंगी तो इससे बच्चे के डायपर एरिया में जो पसीना होगा वो सूखेगा नहीं, और उस वजह से उसे डायपर रैश होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि दिन में बच्चों को डायपर फ्री रखें। अगर किसी वजह से आपको बाहर रहना पड़ रहा है या फिर अगर आप बच्चे को दिन भर बिना डायपर के नहीं रख सकती हैं तो भी कम से कम 1 से 2 घंटे आप दिन में 1 से 2 घंटे बच्चे को डायपर फ्री ज़रूर रखें। नेक्स्ट है कि नारियल के तेल से बच्चे की मालिश करें। गर्मी में ठंडी तासीर वाला ऑयल बच्चों के मालिश के लिए सबसे अच्छा होता है, और इसमें कोकोनट ऑयल काफ़ी अच्छा है क्योंकि कोकोनट ऑयल की तासीर ठंडी होती है और ये बच्चे के बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए गर्मियों के मौसम में कोकोनट ऑयल मालिश के लिए सबसे बेस्ट है। मालिश के 15 से 20 मिनट बाद अब बच्चे को ज़रूर नहलाइए, और नहलाते समय आप हल्का गुनगुना पानी ही लें, ज़्यादा गर्म ना रखें और ज़्यादा ठंडा भी ना लें। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें और कुछ गलतियां जो कि पेरेंट्स करते हैं और अक्सर इसी वजह से बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है गर्मियों के मौसम में। तो आप इन गलतियों को ध्यान रखें और ये गलतियां ना करें। चलिए अब जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो। तो इसमें सबसे पहला टिप्स है कि हमेशा बच्चे को फ्रेश खाना खिलाएं। गर्मियों के मौसम में बच्चों को 2 घंटे से ज़्यादा रखा हुआ खाना ना खिलाएं। अगला टिप है कि 9 महीने या 10 महीने के बच्चे को हम मार्केट की बनी चीज़ें खिलाते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में आप मार्केट की बनी चीज़ें बच्चों को ना खिलाएं। 1 साल से छोटे बच्चे को आइसक्रीम भी ना खिलाएं, इससे गले में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। और 1 साल से बड़े बच्चों को भी आप ज़्यादा आइसक्रीम ना खिलाएं, बहुत ही कम क्वांटिटी में आइसक्रीम खिलाएं। सो आई होप कि ये टिप्स और ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।